राज्य बैठक यहाँ रखी हुई, उसमें बर्साती पानी की निकासी का स्थायी समाधान के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। कई तरीके के सुझाव आए, सुझाव इस तरीके की जो बरसात का जो पानी आता है, आदमी जब बरसात का पानी आता है तभी लोगों को याद आता है, जब पूरा साल जब उस पानी को निकासी को लेकर आदमी सोचता है उसके लिए स्थायी समाधान किस तरीके से उसमें स्थायी समाधानों के लिए अलग अलग प्लानिंग करी गई है, अलग अलग सोचा गया है। इन सारी चीजों को एकत्र करने के बाद सरकार के पास मेमोरेंडम बनाकर चीजों को पेश किया जाएगा, और उसके अलावा स्थायी समाधान के अंदर जो टेंडर की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए उसके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उसका सेतु का काम विजन अजमेर करेगा। किस तरह की समस्याएं हैं, आज एक ही समस्या, अलग अलग दिन हम अलग अलग समस्याओं के ऊपर बातचीत करते हैं। आज हमने जो है वो बरसाती पानी का वो जो भराव हो रहा है उसके स्थायी समाधान के ऊपर आज हम लोग, उसमें जो आनंद सागर का जो पानी भरकर रोड पर आ गया, पाल बीचला से होकर जो नीचे जो पानी भर जाता है क्षेत्रों में भर जाता है, लोग बीमारियों से त्रस्त हो जाते हैं, उन सब चीजों का जो स्थायी समाधान क्या हो उसके ऊपर चर्चा की गई, और निश्चित रूप से ये जो चर्चा की गई बहुत ही साकार चर्चा है आने वाले समय के ऊपर। संगठन शामिल थे, संगठन विजन अजमेर जो संस्था है, विजन अजमेर के तहत किस तरीके की समस्याओं के ऊपर संस्था लगातार रूप से कार्य कर रही है। विजन अजमेर की आज महत्वपूर्ण बैठक यहाँ रखी गई, उसमें बरसाती पानी की निकासी का स्थायी समाधान के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। कई तरीके के सुझाव आए, सुझाव इस तरीके की जो बरसात का जो पानी आता है, आदमी जब बरसात का पानी आता है तभी लोगों को याद आता है, जब पूरा साल जब उस पानी को निकासी को लेकर आदमी सोचता है उसके स्थायी समाधान किस तरीके से, उसमें स्थायी समाधानों के लिए अलग अलग प्लानिंग करी गई है, अलग अलग सोचा गया है। इन सारी चीजों को एकत्र करने के बाद सरकार के पास मेमोरेंडम बनाकर पेश किया जाएगा, और उसके अलावा स्थायी समाधान के अंदर जो टेंडर की प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उसका सेतु का काम विजन अजमेर करेगा। किस तरह की समस्याएं हैं, आज एक ही समस्या, अलग अलग दिन हम अलग अलग समस्याओं के ऊपर बातचीत करते हैं। आज हमने जो है वो बरसाती पानी का वो जो भराव हो रहा है उसके स्थायी समाधान के ऊपर आज हम लोग, उसमें जो आनंद सागर का जो पानी भरकर रोड पर आ गया, पाल बीचला से होकर जो नीचे जो पानी भर जाता है क्षेत्रों में भर जाता है, लोग बीमारियों से त्रस्त हो जाते हैं, उन सब चीजों का स्थायी समाधान क्या हो उसके ऊपर चर्चा की गई, और निश्चित रूप से ये जो चर्चा की गई बहुत ही साकार चर्चा है आने वाले समय के ऊपर। संगठन शामिल थे, संगठन विजन अजमेर जो संस्था है, विजन अजमेर के तहत किस तरीके की समस्याओं के ऊपर संस्था लगातार रूप से कार्य कर रही है।